बाबा रामदेव का एक वीडियो ट्विटर पर काफी वायरल है। इस वीडियो में बाबा रामदेव इलाज की एलोपैथी पद्धति पर सवाल उठा रहे हैं। वीडियो में बाबा रामदेव कहते हैं, गजब का तमाशा है, एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्वीन फेल हुई, फिर रेडमसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक फेल हो गए, फिर स्टेरॉयड फेल हो गए, फिर प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर भी बैन लग गया, और बुखार के लिए जो दे रहे हैं फेविफ्लू वह भी फेल है। जितनी भी दवाएं दे रहे हैं, ये तमाशा हो क्या रहा है? बुखार की कोई दवाई कोरोना पर काम नहीं कर रही है, क्योंकि आप बॉडी का टेम्परेचर उतार देते हैं, लेकिन टेम्परेचर जिस कारण से आ रहा है, उस वायरस को, उस बैक्टीरिया को, उस फंगस को, जिस कारण से भी बुखार हो रहा है, उसका निवारण तुम्हारे पास में नहीं है, तो कैसे ठीक करोगे? इसलिए मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। हो सकता है इस पर कुछ लोग विवाद करें, लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। वीडियो में बाबा रामदेव कहते दिखते हैं कि जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन ना मिलने के कारण से हुई है, उससे ज़्यादा लोगों की मौत एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। लोग समझ नहीं रहे हैं कि करें क्या, इसलिए अभी लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। मैं कहता हूं कि एलोपैथी पूरी खराब नहीं है, मॉडर्न साइंस का हम स्वागत करते हैं, उससे हमारा विरोध नहीं है, लेकिन उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले अलग अलग जो मेडिसिन्स हैं, जो थ्योरीज हैं, फाइंडिंग्स हैं, झूठी रिसर्च है, उनका विरोध है। बाबा रामदेव ने एलोपैथी को लेकर जो कुछ भी कहा, उससे तमाम डॉक्टर और डॉक्टरों के संगठन नाराज हो गए हैं। 22 मई को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने इस मामले पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। IMA ने अपने बयान में कहा है कि अभी तक 1200 से अधिक डॉक्टर कोरोना के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। बाकी सभी संसाधनों और मैन पावर में कमी के बावजूद भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं। बयान में कहा गया है, ये आधुनिक एलोपैथी पर कीचड़ उछालने की कोशिश है। योगा गुरु ने कहा है कि एलोपैथी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। पहले वो आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी में डॉक्टर्स को कातिल बोल चुके हैं, जहां उन्होंने अपनी वंडर ड्रग पेश की थी। ये भी एक फैक्ट है कि योग गुरु और उनके सहयोगी बालकृष्ण बीमार होने पर खुद आधुनिक मेडिकल एलोपैथी ट्रीटमेंट ले चुके हैं। अब वह ऐसे दावे इसलिए कर रहे हैं ताकि अपनी दवाओं को बेच सके। DCGI द्वारा अप्रूव की गई रेडमसिविर, फेविफ्लू और अन्य दवाइयों को उन्होंने फेल बता दिया और कहा कि लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवाई खाने से हुई है। ये बयान DCGI पर सवाल खड़े करता है, जिसके मुखिया हमारे स्वास्थ्य मंत्री है। रेडमसिविर और फेविफ्लू CDSCO द्वारा भी अप्रूव है। बाबा रामदेव के खिलाफ महामारी एक्ट की धारा 188 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। वे एक इंटरनेशनल योग गुरु है और एक दवा कंपनी भी चलाते हैं। वे पहले भी अपनी कंपनी के उत्पादों को लेकर झूठे दावे कर चुके हैं और पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश कर चुके हैं। IMA ने कहा है कि ICMR, एम्स, DCGG और हेल्थ मिनिस्ट्री की साख पर सवाल उठाना क्या एंटी नेशनल नहीं है? सुप्रीम कोर्ट भी रेडमसिविर की उपलब्धता को सुनिश्चित करने को कह चुका है, ऐसे में क्या इस बयान को कोर्ट का अनादर नहीं माना जाएगा? रामदेव हालात का फायदा उठाकर डर फैलाकर अपनी अवैध और अनअप्रूव्ड दवाएं बेचना चाहते हैं और पैसा बनाना चाहते हैं। अगर हेल्थ मिनिस्टर इस मामले में सुओ मोटो एक्शन नहीं लेते हैं, तब हम कोर्ट जाने के लिए मजबूर होंगे। बहरहाल देखना ये होगा कि क्या केंद्र सरकार बाबा रामदेव पर कोई कार्रवाई करती है या नहीं।